हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं पैटर्न मैचिंग पे। तो पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम क्या होता है, वो सारी चीज़ें तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस पे एक सॉल्व प्रॉब्लम करते हैं, एक या दो जैसा भी टाइम रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहले आप क्वेश्चन सुन लीजिए कि पैटर्न दिया हुआ है इसमें कि पैटर्न पी इक्वल टू ए ए ए बी बी, ये पैटर्न दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्ट द टेबल एंड द करस्पॉन्डिंग लेवल डायरेक्टेड ग्राफ यूज इन द फर्स्ट और सेकेंड पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम। तो हमें पैटर्न मैचिंग टेबल बनानी है और पैटर्न मैचिंग ग्राफ बनाना है, ठीक है, यूजिंग सेकेंड पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि से कंस्ट्रक्ट पैटर्न मैचिंग टेबल एंड पैटर्न मैचिंग ग्राफ। ठीक है, अब इस सवाल को करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले इनिशियल सेगमेंट जो है पी के, उसको हम लिस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि फर्स्ट लिस्ट द इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ पी, इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ पी। ठीक है, तो इनिशियल सेगमेंट को जब आप लिस्ट करेंगे तो सबसे पहले इनिशियल स्टेट क्यू जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक, उसके बाद क्यू वन क्या हो गया, ए, फिर क्यू टू क्या हो गया, ए स्क्वायर या ए ए लिख लीजिए, फिर क्यू थ्री क्या हो गया, ए क्यूब, फिर क्यू फोर हो जाएगा आपका ए क्यूब बी, और फिर क्यू फाइव हो जाएगा ए क्यूब बी स्क्वायर। ठीक है, ये इनिशियल सेगमेंट्स आ जाएंगे। अब इसमें क्या होगा कि फॉर ईच कैरेक्टर टी द एंट्री एफ क्यू आई टी, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ईच कैरेक्टर टी द एंट्री फंक्शन ऑफ क्यू आई टी इन द टेबल इज द लार्जेस्ट क्यू इज द लार्जेस्ट क्यू विच अपीयर्स एज ए टर्मिनल सबस्ट्रिंग, विच अपीयर्स एज ए टर्मिनल सबस्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग। कौन सी स्ट्रिंग हो जाएगी, क्यू आई टी। ठीक है, इसमें टर्मिनल सबस्ट्रिंग हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, वी कैलकुलेट। अब देखिए पहला हमने लिया फंक्शन ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग और कॉमा ए, यानी एम्प्टी स्ट्रिंग को हम ए देंगे तो कहाँ पे पहुँचेंगे, तो ये हम पहुँचेंगे ए पे। ठीक है, उसके बाद फिर हमने कहा कि फंक्शन ऑफ, ये हो गया फंक्शन ऑफ ए से पे, अगर हम ए देंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, ए से ए आप देंगे तो आप ए स्क्वायर में पहुंचेंगे। फिर सिमिलरली आप ए स्क्वायर पे ए देंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, आप ए क्यूब पे पहुंचेंगे। ठीक, फिर ऐसे ही ए क्यूब पे आप बी देंगे, ए क्यूब बी पे आप ए देंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, ए पे पहुंच जाएंगे। ठीक, अब ऐसे ही अगर एम्प्टी सबस्ट्रिंग पे अगर हम बी देते हैं तो हम कहाँ पहुंचेंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे, वहीं रहेंगे। ठीक, उसके बाद अगर हम ए पे बी देते हैं तो भी एम्प्टी स्ट्रिंग, कोई मूवमेंट नहीं होनी है। फिर अगर हमने कहा कि अगर ए स्क्वायर पे हम बी देते हैं तो भी कोई मूवमेंट नहीं होगी, एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर ए क्यूब बी पे हम बी देते हैं
फंक्शन ऑफ ए क्यूब बी पे अगर हम बी देते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, पैटर्न पी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम रिक्वायर्ड टेबल को अगर हम यहाँ ड्रॉ करें इसके हिसाब से, तो कितने, 1 2 3 4 5, आपको 5 स्टेट बनाने हैं। ये हो सकता है जगह यहाँ पे कम पड़े, नेक्स्ट पेज पे आप आ जाइए। तो जब आप टेबल बनाएंगे यहाँ पे तो टेबल इस तरह आएगी। ठीक है, ये मान लीजिए हमने बनाया, यहाँ इनपुट दे देंगे ए और बी, और यहाँ हम स्टेट्स लिख देंगे इस तरह। ठीक है, तो ये हो गया ए बी। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें हम ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लीजिए Q0 पे, तो अब जो हमने अभी फंक्शन लिखे हैं उस हिसाब से आप बना लीजिए। Q0 पे हमने ए दिया तो कहाँ पहुँच रहे हैं, Q1 पे, और बी दिया तो कहीं नहीं, Q0 पे ही रह जा रहे हैं। फिर Q1 पे ए दे रहा है तो Q2 पे पहुंच रहा है, और Q1 पे अगर हम बी दे रहा है तो Q0 पे आ जा रहा है। फिर Q2 पे अगर ए दे रहा है तो Q3 पे आ रहा है और Q0 पे आ जा रहा है। फिर अगर Q3 पे हम ए दे रहे हैं तो Q3 पे ही रह रहा है और Q4 पे आ जा रहा है इधर बी देने पे। और फिर लास्ट आ गया आपका, अगर Q4 पे आप ए देंगे तो आप Q1 पे पहुंच जा रहा है, और B दे रहा है तो आपको पैटर्न मिल जा रहा है P। तो ये हो गया आपका पैटर्न मैचिंग टेबल। ठीक है ना, दिस इज पैटर्न मैचिंग टेबल, ये बन गया आपका। अब इसके बाद इस टेबल से जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, सारे आप स्टेट्स बना लीजिए। तो अगर हम स्टेट्स बनाएंगे सारे तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टेट हो गए। अब इसमें जो भी स्टेट्स हैं पहले आप उसको लिख दीजिए। तो स्टेट कौन कौन से है, ये Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 और P, ये हो गया। अब इसको टेबल से आप करिए, Q0 पे हम A देंगे तो Q1 पे, तो Q0 पे हमने A दिया Q1 पे, और Q0 पे अगर B दे रहा है तो Q0 पे, तो यहीं पे हमने ये बी दे दिया तो Q0 पे रहेगा। फिर आ जाइए Q1 पे, Q1 पे हम ए देंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, Q2 पे, तो Q1 पे ए दिया Q2 पे, और Q1 पे हम बी देंगे तो पहुंच जा रहा है Q0 पे, तो यहां से वापस यहाँ। ठीक, फिर ऐसे ही Q2 पे अगर ए देंगे तो Q3 पे, तो Q2 पे हमने ए दिया Q3 पे, और Q2 पे हम B देंगे तो Q0 पे, Q2 पे आप B दोगे तो सीधा आप Q0 पे, यानी ऐसे, ये हो गया। ठीक, उसके बाद Q3 पे आ जाइए, Q3 पे अगर हम A दे रहे हैं तो Q3 पे, यानी ये हमने बना दिया, A दे रहे हैं Q3 पे, और बी दे रहे हैं तो Q4 पे, तो बी दे रहे हैं तो हम चले गए Q4 पे। ठीक, उसके बाद Q4 पे अगर हम ए देंगे तो Q1 पे, तो Q4 पे अगर हमने ए दिया तो ये हम यहां से सीधा पहुंच रहे हैं Q1 पे, यानी आप ऐसे बना दीजिए, ऐसे ये ए देने पे है, और अगर आप बी दे रहे हैं तो आपको पैटर्न, आप फाइनल स्टेट पहुंच जा रहे हैं, पैटर्न आपको मिल जा रहा है। तो ये जो आपने ड्रॉ किया है ये हो गया पैटर्न मैचिंग ग्राफ। तो इस तरह से सॉरी, गिवन पैटर्न के लिए हम पैटर्न मैचिंग टेबल और पैटर्न मैचिंग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, जिन्होंने पिछले थ्योरी लेक्चर मेरे पढ़े हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो फॉलो कर रहे हैं, उनको ये आसानी से क्लियर हो गया होगा।
जो नए आए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि पहले पिछले लेक्चर्स देख लीजिए, थ्योरी क्लियर होगा तभी न्यूमेरिकल कर पाएंगे। और फिर भी कोई अगर कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।